मेरा ख्याल नहीं आया। तुम्हारा ख्याल था, इसीलिए तुम्हें फोन भी किया और मैसेज भी छोड़ा। अरे ठीक है, तो कल मैं खुश आंसे आप ही से कहूंगा कि मुझे देखना अपना घर भाई। उस बच्ची को तंग ना करना, तुम शानी से कह दो, वो पता समझा देगा, तुम खुद देखा ना। वैसे अम्मी, ये हमारे बड़े भाई हैं कहाँ पर? कहीं मामी के घर तो नहीं रुकेंगे आज? नहीं, वो मामी कह रही थी कि उसे खाना खिला के भेजें। वैसे बहुत बुरी बात है, शांजे चाह रही थी कि वो साथ चले, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, रमशा को एयरपोर्ट से लेना था, लेकिन शांजे से किसी और दिन का प्रोग्राम बना लेता। आप ही कम से कम पिक्चर्स ही बना लेती घर की, मुझसे नहीं वेट होता। कैसी बातें कर रहे हो, मैं उसके सामने तस्वीरें खींचती, वो क्या सोचती हम कैसे लोग हैं। आप ही ये बड़े लोग इतना नहीं सोचते हमारे बारे में। अरे नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है, ये लड़की तो दुनिया से निराली है। जिन बड़े लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। अम्मी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं वहां पे ना अलहदा कमरा लूंगा, और वो वाला कमरा जिसकी विंडो स्लाइडिंग विंडो नहीं होती, वो वाला। लो भाई इन्हें देखो, घर देखा नहीं, कमरा पसंद करने बैठ गया। वहां सारे कमरे एक से एक बढ़ के, जो दिल चाहे ले लेना। तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ, सबसे बड़ा कमरा ना आपके बड़े बेटे ने सिलेक्ट किया होगा। क्यों ना करे, सारी बहार उसी के दम से तो है। वैसे अम्मी पता है, मैं सोच रही थी शानी को ना उसके साथ जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था, शानजे को बुरा लगा होगा ना। बिल्कुल लगा होगा, वो बच्ची हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, ऊपर से वो हमारे नखरे भी उठाए, कोई मजबूरी तो नहीं है उसकी। अम्मी तो कहें अपने बेटे से कि बना कर रखे, उससे कदर करे उसकी, वो दोस्त समझती है इसे, दुश्मन ना बनाए उसे प्लीज। समझो।